के भोपाल से खबर है। दो पद पर रहने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मैं किसी भी पद पर रहने का इच्छुक नहीं हूं। कमलनाथ ने कहा कि मैं दिल्ली में ही संतुष्ट था। उन्होंने कहा कि अब इज्जत बचाने के लिए ऐसा बीजेपी कह रही है, ऐसा बीजेपी ने कहा है कि अब इज्जत बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पूर्व सीएम कमलनाथ दो पद पर बने हुए हैं। पहला पद नेता प्रतिपक्ष का, दूसरा पद प्रदेश अध्यक्ष का यानी पीसीसी के चीफ का है। दो पद पर रहने को लेकर कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पद पर रहने के लिए इच्छुक नहीं हूं, मैं दिल्ली में ही संतुष्ट था। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने हमला बोलते हुए कहा कि अब तो कहेंगे ही किसी नेता की एक पद पर नहीं रहना चाहते, अब इज्जत बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये आरोप लगाया, ये तंज कसा है लोकेंद्र पाराशर ने। पद पर रहने को इच्छुक नहीं, मैंने तो अप्लाई नहीं किया था ना किसी पद के लिए, तो जैसा फैसला होगा ठीक है सर। मैं तो ना तो 2018 पहली मई 2018 में अध्यक्ष बना था, मैंने तो नहीं कहा था मुझे बना दो, मैं तो बड़ा संतुष्ट था दिल्ली में। पर 1 मई 2018 से जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, मैं तो 2 साल से नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष भी हूँ, आज से नहीं, ये 1 महीने की बात नहीं है, 2 साल से हूँ। कमलनाथ जी की लिए वो कहावत ठीक बैठती है कि 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। पूरी कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, निपटा दिया, सारे युवाओं को कुंठित कर दिया, सारी प्रतिभाओं का दमन कर दिया, और अब उनको ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए किसी पद पर रहने से कोई लाभ नहीं है, और या फिर ऊपर से कोई उनके ऊपर दबाव है कि भाई हर पद पर इस जमीन से आसमान तक आप ही क्यों रहेंगे, इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसे परमार्थी, परोपकारी और त्यागी व्यक्ति नहीं है कमलनाथ।